हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन ग्रंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है खंडूपाड़ा ओशियन गार्डन में। मैं आपको बता दूं, आज सुबह से जिस तरह से एमएलए रईस शेख ने इस्तीफा की बात करी, उसके बाद से शहर में काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगी थी। और कोनार गार्केट में जहाँ पर समाजवादी की ऑफिस है, वहाँ पर लोगों ने धरना आंदोलन करना शुरू कर दिया था। वो सिलसिला थमा नहीं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये अभी फिलहाल ओशियन गार्डन पे आ गया था, जिसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर एमएलए रईस शेख के लिए रुके हुए थे। और इनकी यही मांगनी थी कि एमएलए रईस शेख अपना जो इस्तीफा है उसे वापस ले, मगर अभी अभी हमें जानकारी मिली है और अभी यहाँ पर पब्लिक को संबोधित करते हुए एमएलए रईस शेख ने बताया कि मैं अपना इस्तीफा जो है उसे रद्द करता हूँ और वो किसी तरह का इस्तीफा नहीं देंगे। जो कुछ भी बातें थी उन्होंने अपनी स्पीच में बताई और आइए सुनते हैं। अपनी पार्टी अपनी आवाम से अपने नेता से ये गुजारिश करने के लिए कर रहा हूँ, हमारी कोई मांग नहीं। हमारी मांग क्या है कि ये जो फूल के भिवंडी को बेचने का काम कर रहे हैं वो बंद करो। मैंने कहा था कि ये चुनाव पैसे पर नहीं होगा, हम ईमानदार लोग हैं। इनको ये बात चुभ गई, इनको सिर्फ एक बात चुभ गई कि रईस शेख क्या बोल रहा है, भिवंडी में पैसा नहीं चलेगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अब दलालों के पेट में हो गया दर्द, अब दलाल ने क्या किया, दूसरे दलाल को ढूंढा, अब दलाल दलाल हो गए भाई। लेकिन हमारे नेता अबू आसिम आजमी दलालों को पहचानते हैं, लात मार के पाकिस्तान को भगाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। हम हमारे नेता अबू आसिम आजमी से प्यार करते थे, करते रहेंगे, लेकिन इस शहर के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए। आज आप 3 बजे से आए हो आसिम भाई, देख रहे हैं। अरे इतने सारे लोग कह रहे हैं आसिम भाई आप इनकी आवाज सुनो। आपका हुकुम मेरे सर आंखों पे है, आपका भाई पूरे महाराष्ट्र में, भाई कुछ किसी पूरे महाराष्ट्र में किसी की हिम्मत है इस्तीफा देने की? मेरी हिम्मत इसलिए कि मुझे मालूम है अगले दिन चुनाव लगा तो भी भिवंडी के आवाम मुझे फिर से आंदा रहा है। ये मेरा भरोसा आप पे, ये मेरा सुनिए। देखिए ये मेरा आप पे भरोसा है, मुझे मालूम है कि अगर मैं इस्तीफा भी दे दूंगा तो 1 महीने में आप लोग मुझे आमदार बना दोगे। मैं सर्टिफिकेट वाला आमदार नहीं हूँ, मैं भिवंडी के आवाम में के दिल में रहने वाला आमदार हूँ और भिवंडी की आवाम मेरा दिल है। मैं आपके आगे कभी जा नहीं सकता, मैं आपके आगे कभी जा नहीं सकता, मैं आपकी मांग पूरा करता हूं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी, अरे आप इस भिवंडी को दलालों से मुक्त करना चाहते हो कि नहीं? अरे इस जमीन से इस बार, अरे कोई आया है जो पहली बार कर रहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप शांत रहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ये सब ना करते हुए आप लोग घर जाइए, मैं आपकी मांग पूरी करता हूँ। मैं आपकी मांग पूरी करता हूँ, मेरी नहीं। आपने आपने कह दिया, आपने आपने मैं वादा करता हूँ भाई, मैं मेरी बहनें जो सुबह से खड़ी है, मेरे भाई मेरे बच्चे, इनके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। मैं आपको वादा करता हूँ कि जो आपका हुक्म है मैं मानूंगा, मैं इस शहर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। बस मेरा
मेरी मेरी आपसे मेरी एक मिनट देखिए।